शक्लों की बात करने जा रही हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ शशि प्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। डबल रोल वाली ऐसी फिल्में तो आपने खूब देखी होंगी जिसमें एक माँ की दो बेटे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई रियल लाइफ की, लेकिन हम बात करते हैं रियल लाइफ की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हम शक्ल भाई का सभी जगह पर देखने को मिला है और उनके काम नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेताओं के हम शक्ल भाइयों की, तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर किनके हम शक्ल हैं। सबसे पहले अनिल कपूर की बात कर लेते हैं और संजय कपूर की। संजय कपूर अनिल कपूर के छोटे भाई हैं, वो बिल्कुल अनिल कपूर की तरह है। जहां अनिल कपूर बॉलीवुड में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो वहीं संजय कपूर बी टाउन में अपने बड़े भाई की तरह पहचान नहीं बना पाए हैं, उतनी ज्यादा पहचान नहीं है। अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी लम्हे, जो आज भी लोगों के जहन में टिकी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जो आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। संजय कपूर आज फिल्मी दुनिया से दूर हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों को अक्सर साथ में पार्टीज में सपोर्ट किया जाता है और स्पॉट करने के बाद लोग कहते हैं अरे ये तो अनिल कपूर है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत का डिफरेंट लोग समझ नहीं पाते ज्यादा दिनों पर देखने पर। अब दूसरे हम शक्ल की बात करें तो रोनित रॉय है, और रोनित रॉय के रोहित रॉय भाई हैं। हम आपको बता दें कि रोनित रॉय और रोहित रॉय भी एक जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल डिट्टो। इन दोनों भाइयों में रोनित रॉय सबसे बड़े हैं रोहित के मुकाबले। हम आपको बता दें कि रोनित रॉय का फिल्मी करियर काफ़ी बड़ा रहा है। अपने बड़े भाई की तरह रोहित ने भी कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि रोनित जितने बड़े नहीं बन पाए हैं। दोनों भाइयों की आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। रोनित और रोहित में यही फर्क है कि रोनित हिट है लेकिन रोहित बिल्कुल भी नहीं। तीसरे हम शक्ल की बारी आती है तो बात कर लेते हैं अनुपम खेर और राजू खेर की। जी हाँ, ये दोनों भी रियल लाइफ में भाई हैं। दोनों भाइयों में राजू खेर छोटे हैं। फिल्मों में ज़्यादा वो टीवी सीरियल्स में एक्टिव रहते हैं, फिल्मों से उनका उतना ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन वो टीवी सीरियल्स में ज़्यादा देखते हैं। वो भले ही अनुपम जैसे मुकाम हासिल न कर पाए, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वालों का एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि वो दिखते हैं अपने बड़े भाई जैसे। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, थोड़ी बहुत मिलान जुलान तो है भाई। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, ये दोनों भाई अपने जमाने के लीजेंड सितारे माने जाते हैं। रणधीर कपूर 72 साल के हैं, फिल्मों से दूर वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले इन दोनों भाइयों को हाउसफुल 2 में एक साथ देखा गया था और दोनों की एक्टिंग अपने आप में लाजवाब है। और अब बात कर लेते हैं आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना की। जी हाँ, आयुष्मान खुराना और उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना को अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोनों भाई हम शक्ल नजर आते हैं। जहां आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में गिने जाते हैं, तो वहीं उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना बॉलीवुड में उतने पावर और पॉपुलर वाले नहीं दिखते। वो अपने बड़े भाई की तरह बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम जो हम शक्ल भाई हैं, इन्हें आपने देखा कि अगर एक सफल है तो दूसरा उतनी ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर पाया है। ये पांच लोगों के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे ये लोग बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड में रहते हुए जो उनके हम शक्ल हैं वो उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितना रियल वाले लोगों ने तरक्की की है। तो ऐसे ही कुछ और सितारों की जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।